हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब कभी भी जीएसटी बिल बनाने की बात आती है तो टैली में इसे कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो, तो आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आइए देखते हैं कि हम जीएसटी बिल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली ERP 9 ओपन करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की यही रिक्वेस्ट रहती है कि ERP 9 पे ही काम क्यों ना किया जाए, क्योंकि लगभग दोनों सेम ही है और मुझे लगता है कि प्राइम ज्यादा आसान है। लेकिन चलिए इस बार ERP 9 पे ही बता देता हूँ। ये सी प्रेस करेंगे, देखिए सी हाईलाइट था तो सी प्रेस कर दिया तो नई कंपनी बनेगी। तो यहाँ पर माई शॉप नाम से एक कंपनी बना देता हूँ, माई शॉप स्टोर कर देता हूँ। एंटर किया, एंटर किया और यहाँ पर आपका लोकल एड्रेस आता है ये इस तरीके से, और ये आपका लोकल एड्रेस जो है ये आ जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पर आपकी कंट्री और स्टेट का नाम जरूर चूज कर लीजिएगा, अन्यथा आप जीएसटी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं। वैसे पिन कोड आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्टेट का नाम मत स्किप कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पर आपके काम शुरू होने की डेट आती है, और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर वॉल्ट पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्ट पासवर्ड लगाने का फायदा यह है कि आपकी कंपनी को कोई तब तक ओपन नहीं कर सकता जब तक आपका वो वॉल्ट पासवर्ड डालेगा नहीं। ठीक है, उसी पासवर्ड को रिपीट भी करना रहता है यहाँ पे, तो ये रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही ये एक्सेप्ट होगा तो आपके सामने एक इस तरीके से आ जाएगा। आप ये फिर वापस से वही पासवर्ड डाल दीजिएगा जो वॉल्ट पासवर्ड डालते वक्त आपने लगाया था, और ये खुल जाएगी कंपनी। तो ये कंपनी बन गई माई शॉप स्टोर नाम से। लेकिन इसमें न तो कोई लेजर्स बने हैं, न तो GST इनेबल हुआ है, तो ये सब हमको करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीका है। F11 शॉर्टकट की होती है, प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आ जाइए सीधा कहाँ, स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे। यहाँ पे आने के बाद ये जो पहला ऑप्शन है जीएसटी का, इसे चालू कर दीजिए, और यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है इसको भी चालू कर दीजिए। तो ये जीएसटी वाला जो डिटेल है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, और यहाँ आपका जो भी आपका GSTIN होता होगा वो GSTIN नंबर आएगा, तो ये डाल करके आगे बढ़िएगा। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर आपको जीएसटी रेट अल्टर करना है, तो यहाँ पर आकर के इसे अल्टर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एंटर कीजिए, और यहाँ पर आपको टैक्सेबल ही रखना है, क्योंकि हमारा तो जो भी प्रोडक्ट है वो टैक्स वाला है। तो देखिए इसमें अलग अलग टैक्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है और सेस टैक्स है। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स की और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की। देखिए अगर सेम स्टेट का मामला होता है तो वहां पर जैसे खरीदार भी सेम स्टेट का और बेचने वाला भी सेम स्टेट का है, उसी स्टेट का है, तो ऐसे में CGST और SGST दोनों एक साथ लगता है, अन्यथा सिर्फ IGST लगता है। अब कंफ्यूजन ये भी रहती है कि सर तब तो CGST SGST दोनों लगता होगा तो वो ज्यादा मतलब हो जाता होगा, ऐसा नहीं है, टैक्स बराबर ही लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं 5% का CGST SGST लगा रहा हूँ, सॉरी इंटीग्रेटेड टैक्स लगा रहा हूँ, तो ये 2.5% के हिसाब से डिवाइड हो जाता है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में। तो ये डिवाइड हो गया, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। कंट्रोल ए करने से एक ही बार में पूरा एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये सब हो गया, अब हमको लेजर्स बनाने हैं, तो लेजर्स आप यहाँ से अकाउंट इन्फो पे जाके बना सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो चलिए कुछ लेजर दो तरह के हैं, सिंगल मल्टीपल, तो हम पहले सिंगल ही लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक कैपिटल का लेजर, क्योंकि हमारे पास कोई फंड नहीं है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कंपनी में लगाया जाने वाला फंड क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट करके एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट हो गया। इसके बाद कौन सा लेजर क्रिएट करना है, इसके बाद हमें करना है क्रेडिटर पार्टी का। ठीक है, तो यहाँ पर रितेश नाम दे देता हूँ, रितेश सी कर देता हूँ, इससे पता चलेगा कि क्रेडिटर पार्टी है। और यहाँ एस प्रेस करता हूँ तो देखिए एस वाले सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाते हैं, तो यहाँ संडी क्रेडिटर कर देना है आपको। ठीक है, और संडी क्रेडिटर करने के बाद एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर एंटर एंटर, ये पैन वगैरह डाल करके एंटर करते हुए इसे क्या करना है आपको, एक्सेप्ट करा लेना। तो इस तरीके से एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर एक और लेजर बनाएंगे। कौन सा लेजर बनाएंगे अब, तो यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे परचेज का। तो ये हो गया परचेज अकाउंट, ए ऑब्लिक सी हो जाएगा, ये अकाउंट हो जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ग्रुप क्या आएगा, ग्रुप आएगा परचेज का। तो पी प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट, और ये परचेज अकाउंट होने के बाद एंटर 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 करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, और ये एक्सेप्ट करा लेने के बाद अब क्या करना है, इतना सारा काम तो हो गया, तो अब थोड़ा बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, स्किप बटन ही प्रेस करना है। ESC का एक बटन होता है जो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में दिया रहता है, उसी को प्रेस कर दीजिएगा। तो ये आप बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद करना क्या है, बाहर आने के बाद यहाँ से सीधा चलना है वाउचर पर, क्योंकि अब हम वाउचर एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम हैं पेमेंट वाउचर में, लेकिन हमें जाना है किसमें, रिसिप्ट वाउचर में। तो आपको F6 क्या शॉर्टकट की है, F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस करते ही इस सिचुएशन में आ जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रेडिट आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट जो लेजर बनाया है वही लगा देना है। ये लगा दिया, अब कितना रुपए से आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी दुकान कितने रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं,
वो डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए 70,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये डाल दिया, और यहाँ पर ये कैश में कर दिया हमने, तो कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹7,000। तो ये हो गया, एंटर करिए, एंटर करिए, इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये एक्सेप्ट होने के बाद क्या करना है, जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर हमें चलना है परचेज में, ठीक है। तो परचेज की शॉर्टकट की होती है F9, तो F9 प्रेस करके परचेज में आ जाइए। और ये इस तरीके से आपको नजर आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम नजर आएगा और यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर रहेगा, तमाम चीजें हैं। तो यहाँ पर सप्लायर द्वारा जो भी बिल मिला है उस पर एक सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा, वो नंबर डाल दीजिए, मेरे में ये है तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और वो डेट जिस डेट पर आपने ये परचेजिंग करी है, तो यहाँ से F2 करके डेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 मई को हुआ हो तो 1/5/2023 कर देंगे, तो देखिए डेट चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अप्रैल दिख रहा है तो ये कोई मतलब नहीं है, वो आपके प्रिंट आउट जब होगा, जब बिल प्रिंट करेंगे तो वहां पे 1 मई ही आएगा। लेकिन यहाँ पर संतोष के लिए, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए, 1/5/2023 कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि डेट तो ऑलरेडी चेंज हुई पड़ी है। अब ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर और कैश का लेजर का चक्कर होता है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए क्रेडिटर पार्टी का लेजर तब लगाया जाता है जब आप उधार की परचेजिंग कर रहे हो, नहीं तो कैश सीधा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्रेडिटर पार्टी का ही लेजर लगाएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा। जैसे आएगा तो आप यहाँ पर आकर के, अब कौन सा प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्या आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर, अब अलग अलग चीजें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कंप्यूटर डेस्कटॉप, ठीक है, कंप्यूटर डेस्कटॉप है, तो ये एक स्टॉक आइटम बनाया हमने। और यहाँ पर जब ये बिकेगा तो ये नंबर्स में बिकेगा, किलो के भाव तो बिकेगा नहीं, तो यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं, ये नंबर्स हो गया। और यहाँ पे एंटर करिए, यहाँ पर देखिए यूपीसी कोड आ रहा है, तो एन प्रेस कीजिएगा तो एनओएस नंबर्स आ जाएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ 0 ही रहने दीजिएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर 5 डेस्कटॉप आपने परचेस किए और एक की कीमत कितनी रही, 29,000 रुपये रही, तो इसके हिसाब से 5 डेस्कटॉप की कीमत आ गई। फिर दूसरा यहाँ अर्ट सी करके बना लीजिए, एक लेनोवो का लैपटॉप है तो यहाँ लेनोवो कर दिया, और यहाँ पे आगे लिख देते हैं लैपटॉप, तो ये लेनोवो का लैपटॉप है तो इसकी कीमत क्या रही, तो ये भी एनओएस में ही आएगा, तो इसकी कीमत जो भी रही वो यहाँ पे आपको डालनी है। जैसे मान लीजिए इस पे जीएसटी अलग से तो लगेगा नहीं, लेकिन आप चाहे तो जीएसटी चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते वक्त ही आप यहाँ पर यस कर देंगे तो यहाँ पर आपको जीएसटी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे वहाँ 5% लगाया था, यहाँ पर अगर आप 10% लगाना चाहें तो यहाँ पर 10% भी लगा सकते हैं। तो ये लग गया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराया। अब मान लीजिए 10 लैपटॉप परचेज किए गए हैं, ठीक है, और खरीद रेट क्या रही, 40,000 रही, ठीक है, तो ये 40,000 डाल दिया, तो इसके हिसाब से आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला जो आएगा, यहाँ पे प्रिंटर कर देते हैं, प्रिंटर, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पे ये भी एनओएस में रहेगा और इस पे सेम रहने देते हैं और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। 3 प्रिंटर की बात हो रही है और एक प्रिंटर कितने का पड़ा, मान लीजिए 19,000 का पड़ा खरीद रेट, ठीक है, तो ये 19,000 हो गया। अब इस पे जीएसटी लगाना है, तो जीएसटी का तो लेजर हमने क्रिएट ही नहीं किया, तो यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहाँ पर बनाइए सबसे पहले CGST, ठीक है, CGST बनाया। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये ग्रुप देना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए ये गलत हो जाएगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस दे दीजिए और यहाँ पे जीएसटी कर दीजिए और यहाँ पर आपको सेंट्रल टैक्स ही रखना है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए CGST आ गया। अब आपको अल्ट सी करके एक और बनाना है SGST, तो ये हो गया SGST, ठीक है, तो यहाँ पे बना लीजिए SGST, एंटर करिए, एंटर करिए, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहाँ पर जीएसटी ही रहेगा और यहाँ पर स्टेट टैक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करिए, नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा नरेशन में, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, ठीक है, एंटर किया, एक्सेप्ट कराया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से बाहर आएंगे और यहां से 2 बार डी प्रेस करेंगे तो आप वो बिल भी देख पाएंगे, अल्ट पी करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल भी नजर आएगा। तो देखिए ये आपका बिल है, इस तरीके से ये बिल आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये बड़े आसानी से बिल क्रिएट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल बना सकते हैं जीएसटी वाला, ठीक है। अब यही सेल करेंगे तो अलग से देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, पहले तो हम पेमेंट करेंगे तब तो सेल करेंगे, तो पहले पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट करने के लिए कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में, भाई उधार का परचेज किया ना तो इसके लिए पेमेंट तो करना होगा ना, तो पेमेंट करने के लिए हम F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में जाएंगे। तो F5 प्रेस किया, पेमेंट वाउचर में आ गए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कैश हमारे पास 70,000 है, ठीक है, और अगर हमने ज्यादा का किया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो
ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास तो कैश 70,000 है, तो हम पूरा तो पे नहीं कर पाएंगे, तो हम 60,000 या 70,000 दे सकते हैं, तो 70,000 तक हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 70,000 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए अगेंस्ट रेफरेंस का कर्सर अपने आप आ जाता है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कैश कर सकते हैं, ठीक है, या बैंक में अगर पैसे हो तो आप दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे कैश आपके पास जीरो हो चुका है, ये 70,000 देने के बाद कैश जीरो हो जाएगा, जो भी अमाउंट बचा रहेगा वो यहाँ नीचे शो करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 68,000 ही दिए, 68,000, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए ये 2,000 बचा हुआ, ये बता रहा है कि 2,000 बचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ एंटर करिए, यहाँ पे एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और एंटर करिए, ये कैपिटल दिखा रहा है कि ये 2,000 कैपिटल आपके पास बच गया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एंटर करिए, एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये हो गया। अब ये करने के बाद क्या करना है, ये करने के बाद सीधा चले जाना है सेल्स वाउचर पे। अब सेल्स में आते हैं, देखते हैं कैसे इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आए, सप्लायर का इनवॉइस, जो भी आप इनवॉइस नंबर देंगे अपने पार्टी को जो खरीदने आएगा, उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, यानी रेफरेंस नंबर, ठीक है। यहाँ पर एंटर करिएगा, और वो पार्टी जो आपसे सामान खरीदेगी उसको आप कैश बेच रहे हैं या पार्टी का नाम लगा के बेच रहे हैं, तो यहाँ कैश कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर पार्टी का नाम डाल सकते हैं, ये देखिए बायर डिटेल आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए सोनू को आप बेच रहे हैं, तो ये देखिए ये आ गया। और बाकी यहाँ स्टेट वगैरह डाल सकते हैं, तो स्टेट तो उत्तर प्रदेश ही रहेगा, अगल बगल के लोग ही सामान खरीदते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, उनका GSTIN नंबर तो होगा नहीं, और यहाँ पे सेल्स का लेजर आएगा, तो ऑल्ट सी करके सेल्स अकाउंट बना लीजिएगा, ये इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ ग्रुप रहेगा सेल्स का, तो ये सेल्स का ग्रुप कर दीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया। ये करने के बाद अब क्या करना है, अब हमें जो सामान परचेस किया था उसी को सेल करना है। तो जैसे मान लीजिए ये आए कहे हमें लेनोवो का लैपटॉप दे दीजिए, तो एक लैपटॉप ये परचेस कर रहे हैं, और एक की कीमत हम क्या रखेंगे, 58,000 रखेंगे, हमको कुछ फायदा होगा तभी तो हम सामान बेचेंगे, तो ये 58,000 रख दिया। तो 58,000 रखने के बाद देखिए इसमें आपको अलग से GST देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे CGST लगाता हूँ, सेम स्टेट का मामला, ये CGST लगा दिया और यहाँ SGST लगा दिया, देखिए तो दोनों आ गया एक साथ, आ गया ना। अब एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, अब यही आपका बिल है, ठीक है। अब बिल देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए ये है ना, अल्ट पी कीजिए, एंटर कीजिए, तो देखिए ये आपका बिल है, टैक्स इनवॉइस आ गया आपका बिल, यही बिल आप निकाल के दे देंगे उनको, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि ये पूरा GST बिल कैसे बनाना है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।